अनुष्का दर्ज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार में आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इनमें से हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हाजीपुर हॉट सीट बना हुआ था और इसके लिए चिराग पासवान जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। रामविलास पासवान की अगर बात करें तो वो यहाँ से 7 बार सांसद रहे और अपने पिता की विरासत को अपने पास रखने के लिए लगातार चिराग पासवान जीतोड़ मेहनत भी कर रहे थे। परसों उनका चुनाव प्रचार थम गया। आज हाजीपुर में वोटिंग हो रहा है और वोटिंग के दौरान चिराग पासवान एक अलग अंदाज में नजर आए। जी हाँ, वो खुद बूथों का जायजा लेते हुए नजर आए, वो भी खुद गाड़ी चलाकर। जी हाँ, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हाजीपुर की है, हाजीपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर चिराग पासवान खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके तमाम बूथों पर जा रहे हैं और बूथों का जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उनको गाड़ी ड्राइव करते हुए पहले लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले इस तरह की तस्वीरें नहीं सामने आई होगी, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें पहली बार चिराग पासवान गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और खुद बूथों का जायजा ले रहे हैं। हाजीपुर में परसों तक चुनाव प्रचार हुआ, विशाल जो रोड शो था, विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने रोड शो में अपनी पूरी शक्ति दिखाई, शक्ति प्रदर्शन जो था अगर कहा जाए तो वो किया गया। और उसके बाद जब चुनाव प्रचार थमा तो उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोगों से उन्होंने अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और अब ऐसे में आज अच्छी तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसका जायजा लेने के लिए जो तस्वीरें सामने आई निकलकर, उसमें खुद चिराग पासवान बूथों पर जा रहे हैं और जाकर के वहां जायजा ले रहे हैं। फिलहाल हाजीपुर की अगर बात की जाए तो मुकाबला शिवचंद्र राम, जो कि आरजेडी के पहले मंत्री भी रह चुके हैं, आरजेडी से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में उनकी पार्टी से शिवचंद्र राम से है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की तरफ से दावा किया गया कि मुकाबला एक तरफा है और जनता का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी। आज तो ईवीएम में दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है, 4 जून को क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल जो एक अलग तरह की तस्वीरें हैं जिसमें चिराग पासवान खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं और बूथों का जायजा ले रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे दर्ज न्यूज में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।